Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. This is the continuation of the last lecture. पिछले लेक्चर में हमने वर्चुअलाइजेशन के बारे में बात की थी. First, let us revise the concepts that we learned in the previous lecture. In the last lecture, we talked about virtualization, which is a process of converting any physical IT resource into virtualized form. और virtualization का जो main purpose है, क्यों हम virtualization को use करते हैं, the reason is to share resources among multiple users. आप किसी भी resource को जो है, वो virtualize कर सकते हैं. Then we compare a traditional computing environment with virtualized computing environment. हमने देखा था कि physical computing environment में users जो हैं वो directly किसी भी physical resource को access कर सकते हैं, while in case of virtualized computing environment जो आपके users हैं वो directly physical resource को access नहीं करते हैं. They actually accessing the virtual resources, and that virtualization is possible because of a layer of virtualization जिसको हम hypervisor भी कह सकते हैं. फिर हमने इसके कुछ advantages पढ़े थे कि अगर आप virtualization को जो है use करते हैं, so what are the advantages and also some drawbacks of virtualization technique, जिस पे भी हमने बात की थी. Then we see different types of virtualization. एक को हमने डिटेल से पढ़ा था, which is called machine virtualization, और इसको हम server virtualization भी कह सकते हैं. And then other का मैंने आपको reference दिया था कि we also have some other types of virtualization available, जिसमें operating system virtualization बहुत common है. एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन है एंड सो ऑन. ओके, फिर हमने स्टार्ट किया था टेक्निक्स को. वर्चुअलाइजेशन की 3 डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको आपके डिग्रीज भी कह सकते हैं. एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड फुल वर्चुअलाइजेशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड पारा वर्चुअलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन. तो यहाँ तक हम पहुँचे थे. फुल वर्चुअलाइजेशन पर हमने बात की थी कि फुल वर्चुअलाइजेशन में जो आपके पास वर्चुअल मशीन्स होते हैं, जिनको हम VM कहते हैं, दे एक्चुअली रन ओवर वर्चुअलाइज सेट ऑफ हार्डवेयर. अगर आप इस फिगर में देखें, जो आपका एक्चुअल हार्डवेयर है, जो आपका एक्चुअल मशीन है, दैट इज़ एट द बॉटम लेयर. फिर उसके ऊपर हम एक सॉफ्टवेयर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके ऊपर it allows you to install different operating system on top of it. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि we have installed 3 operating system, जिनको हम guest operating system कह सकते हैं, और उसके ऊपर फिर आप different applications जो हैं वो install कर सकते हैं. So this is called full virtualization. इस particular case में जो आपका hypervisor है वो हैंडल करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम और इस हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए. यानी दिस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विल कम्युनिकेट विद द फिजिकल हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरवाइजर. आपकी सारी कम्युनिकेशन इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो होगी वो पास होगी थ्रू दिस हाइपरवाइजर. ये उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा. इन दिस फॉर्म ऑफ वर्चुअलाइजेशन जो आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट रिमेंस आइसोलेटेड फ्रॉम द फिजिकल रिसोर्सेज लेयर. और एडवांटेजेस भी आपने देखे थे कि अगर आप इस हार्डवेयर को चेंज कर ले तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं पड़ेगा. या अगर किसी वजह से यहाँ पे कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज क्रैश कर जाए, इट विल नॉट इफेक्ट द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरवाइजर.
इसके अलावा ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि जितने भी आपके पास अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स हैं या डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं, डिफरेंट वेंडर्स के जो वर्जन्स हैं, वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ हाइपरवाइजर. सम ऑफ द एग्जांपल्स आर वीएमवेयर विच इज़ लीडिंग द मार्केट. इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का भी है, ओरिकल के भी एग्जांपल्स हैं, वर्चुअल बॉक्स एक्सेट्रा एंड सो ऑन. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप. द सेकेंड टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक इज कॉल्ड पारा वर्चुअलाइजेशन, और इसको आई थिंक पेरा भी लोग कहते हैं. मेरा एसेंट जो है वो पोर्तुगीज का है, सो दैट इज़ वाई सम टाइम आई कॉल ए एस आ. सो फॉर मी इट्स पारा, मे बी फॉर यू इट इज़ पेरा वर्चुअलाइजेशन. इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं. पेरा का जो वर्ड है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन विच मीन बिसाइड्स और अलोंग साइड. सो पेरा वर्चुअलाइजेशन मीन अ टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन और अ टेक्निक ऑफ वर्चुअलाइजेशन जिसमें जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज़ लाइक साइड बाय साइड विद द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आप फुल वर्चुअलाइजेशन को दोबारा देखें, वहाँ पे जो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनको पहले से पता हो कि वो किस वर्चुअलाइज प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने इंस्टॉल्ड होना है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ द फुल वर्चुअलाइजेशन. ये जो आपके पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, इनको पहले से ये पता नहीं होता फुल वर्चुअलाइजेशन के केस में कि इन्होंने किस प्लेटफॉर्म, किस हाइपरवाइजर के ऊपर इंस्टॉल्ड होना है. मीन उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप उनको किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं. ओके, इन अदर वर्ड्स they do not need any special coding configuration in order to enable them to be installed over a specific hypervisor. yani aap usko kisi bhi hypervisor pe without doing any modification install kar sakte hain, but that is not the case with para virtualized or operating system assisted virtualization. is technique mein kya hota hai, a portion of the virtualization management task is transferred from hypervisor toward the guest operating system, and this is the main difference between the two. Para ya operating system assisted virtualization mein jo aapke paas hypervisor ka role hai usko aap distribute karte hain among the two entities. kuch kaam hypervisor ka hoga और कुछ काम जो है वो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का होगा. यानी सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे बिलोंग टू द हाइपरवाइजर वाइल द अदर वी शिफ्टेड फ्रॉम हाइपरवाइजर टुवर्ड द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने चेंजेस करनी है, नॉट यू बट द वेंडर्स जो हैं जिनका प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर है तो उन्होंने उसमें चेंजेस करनी होगी इन ऑर्डर टू मेक देम अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक हाइपरवाइजर्स. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट जो नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है वो इस कैटेगरी में आप उनको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते. रादर दे नीड स्पेशल मॉडिफिकेशन फॉर दिस कैपेबिलिटी, फॉर दिस कैपेबिलिटी इंक्लूजन. और इस मॉडिफिकेशन को, ऑपरेटिंग सिस्टम की मॉडिफिकेशन को, हम एक स्पेसिफिक टर्म देते हैं विच इज़ कॉल्ड पोर्टिंग. यानी आप उनको इनेबल करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक हाइपरवाइजर. लेट अस सी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. वी हैव अ होस्ट मशीन, होस्ट रिसोर्सेज एट द बॉटम हियर. फिर हमने हाइपरवाइजर को उसी तरह इंस्टॉल कर लिया. पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और इस हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा. हाउएवर हियर इज द मॉडिफिकेशन. यू सी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे उनको पहले से पता होगा, दे मस्ट बी रेडी कि उन्होंने किस हाइपरवाइजर के ऊपर जाके इंस्टॉल होना है.
So you can say okay, in this approach each guest operating system needs prior knowledge that it will run over the virtualized platform. आप उनका पहले से एक माइंड सेट बना लेते हैं कि अगर आपने virtualized environment में काम करना है so you must be ready for it and that is done with the help of this modification और इस modification को हम कहते हैं porting. So इसको हम operating system assisted virtualization इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे hypervisor की functionality में operating system भी अपना role play कर रहा है. So that is like assistance हमें चाहिए from operating system. इस modification में क्या होता है कि operating system they must know on which particular hypervisor they will have to run. For example, अगर operating system में आपने modification की है कि ये operating system काम कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरवाइजर के ऊपर, तो अब आप उसको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरवाइजर के ऊपर ही इंस्टॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप उसको ओरिकल के ऊपर इंस्टॉल नहीं कर सकते बिकॉज जो मॉडिफिकेशन उसमें की गई है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट. ओके, इसका एक है कि अगर जो आपके पास अनमॉडिफाइड वर्जन है जिसमें पोर्टिंग नहीं की गई, जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं की गई, लाइक विंडोज़ है, लिनक्स के वर्जन से, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन. और इस मॉडिफिकेशन की वजह से हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन भी कह सकते हैं. ये जो टेक्निक है ये हाइपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर देता है. प्रीवियस केस में फुल, उसको फुल क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाइपरवाइजर इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टास्क. वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी टास्क हैं उन सब के लिए हाइपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इस ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन में जो हाइपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर देते हैं अप टू सम एक्सटेंट. एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर सीन जो जिन्होंने लिनक्स के लिए कर्नल, कस्टमाइज कर्नल बनाया है फॉर लिनक्स, कस्टमाइज कर्नल बनाया है ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. इसके कुछ बेनिफिट्स हैं कि जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इट कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द हाइपरवाइजर फुली वर्चुअलाइजेशन में, फुल वर्चुअलाइजेशन में. वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हाइपरवाइजर वो कम्युनिकेशन होती है by translating the instructions into binary form. जबकि इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन में जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली हाइपरवाइजर के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है विदाउट एनी ट्रांसलेशन. तो अगर ट्रांसलेशन नहीं है तो आपकी कम्युनिकेशन फास्ट होगी. इसके अलावा जो मॉडिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हाइपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कुछ हद तक कम कर देता है. सो देट इज़ अनदर एडवांटेज. अ थर्ड एडवांटेज इसके इन ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन जो आपका हाइपरवाइजर है इस केस में उसको डिफरेंट डिवाइस ड्राइवर्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इट विल कंटेन द रिक्वायर्ड डिवाइस ड्राइवर्स. डिवाइस ड्राइवर आपको चाहिए आपको पता होगा कि जब आप कोई हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स हमें चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मैनेज करता है. तो फुल के केस में जो आपके पास हाइपरवाइजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें डिवाइस ड्राइवर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है. वाइल इन दिस सेकेंड केस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम छोड़ देते हैं ओवर द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यह है कि जो अनमॉडिफाइड वर्जन है उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्डली इंस्टॉल नहीं कर सकते ओवर पैरा वर्चुअलाइजेशन हाइपरवाइजर. एक और डिसएडवांटेज मॉडिफिकेशन की हमने बात की. हाउएवर दैट इज़ नॉट पॉसिबल. लेट सपोज आपके पास कोई प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है और आप उसको इनेबल करना चाह रहे हैं कि वो पैरा के साथ जो है वो इंटीग्रेट आप उसको कर सके, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज उसमें आप मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते. हाउएवर जो आपके पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक लिनक्स जिसमें यूजर्स जो हैं मॉडिफिकेशन कर सकता है, तो उस केस में आप खुद ऑपरेटिंग सिस्टम को, वी आर गुड प्रोग्रामर सिस्टम प्रोग्रामर, तो उस केस में आप उसको इनेबल कर सकते हैं.
So modification is not possible in proprietary software. इसके अलावा एक और ड्रॉबैक सिक्योरिटी का है. हाउ हाइपरवाइजर अगर फुली जो है सारी अथॉरिटी उसके पास है, सो ओनली हाइपरवाइजर इज रिस्पॉन्सिबल, उसकी सिक्योरिटी को आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे आप कुछ फंक्शनैलिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप दे रहे हैं टू द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप डायरेक्टली हाइपरवाइजर को एक्सेस कर सकता है. सो इसके एडवांटेजेस अपनी जगह पे, लेकिन इससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर सकती है, क्योंकि आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल दे रहे हैं ऑफ द अंडरलाइंग हार्डवेयर. अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, हाइपरवाइजर को एक्सेस कर सकता है, तो वो हार्डवेयर को भी एक्सेस कर सकता है. सो इन दिस केस वी हैव मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग हार्म टू द फिजिकल मशीन इट्सेल्फ. सो यू मस्ट बी रेडी फॉर इट. Our third category of virtualization technique is hardware assisted. Well, अगर आपको पता हो security, जब हम बात करते हैं security की, so you have two option to provide security, software enable and hardware enable. Software enable जिस तरह नाम से जाहिर है, by using different software tools you try to provide security. While hardware assisted security mean के आप hardware के अंदर code को embed कर देते हैं, that is the responsibility of the hardware to provide security. Same is the case with hardware assisted virtualization. इसमें जो hardware vendors हैं वो इस तरह के devices manufacture करते हैं जो कि directly virtualization environment को support कर सकते हैं. दो leading companies हैं जिसमें Intel हैं और AMD हैं, उन्होंने कुछ CPUs processors इस तरह के बनाए हैं which will get calls from the guest operating system directly, और उसको CPU directly handle भी करेगा. जो previous two categories हमने पढ़ी उसमें जो calls हैं from the guest operating system, या तो वो binary translation होती है उसकी, by वो translation जो है hypervisor करता है in case of fully वर्चुअलाइजेशन, या पैरा वर्चुअलाइजेशन में कम्युनिकेशन आप हार्डवेयर के साथ कर सकते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन होगी थ्रू द हाइपरवाइजर. जबकि इस थर्ड कैटेगरी में इट इज़ पॉसिबल कि जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली आपके सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन कर सके, इंस्ट्रक्शंस उसको दे सके. तो एएमडी का जो प्रोसेसर है दैट इज कॉल्ड AMD virtualization, जिसको हम AMD V कहते हैं, और जो Intel का है उसको हम Intel VT कहते हैं, virtualization technology. They, with the help of these processes, it is possible to build hardware assisted virtualization techniques. Okay, there is a term which is called bare metal यहाँ पे, and there is a hypervisor which is called bare metal hypervisor. Normally jo techniques hain they are multi tenancy, lekin jo bare metal hypervisor hai there is something related with single tenancy. So what is bare metal hypervisor? There is going to be an assignment for you, uske bare mein at the end of the lecture hum baat karenge. Iski kuch examples hain hardware assisted virtualization ki, Zen hai, Microsoft Hyper-V hai, and so on. अगर हम इन तीनों टेक्निक्स को कंपेयर करें, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक. फॉर एग्जांपल, पॉइंट नंबर वन, फुल वर्चुअलाइजेशन के केस में जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका वर्चुअलाइजेशन में कोई रोल नहीं होता. उसको पहले से नहीं पता होता कि मैंने वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट में काम करना है या स्टैंड अलोन एनवायरनमेंट में मैंने काम करना है. सो इट हैज नो नॉलेज, नो रोल, उसका कोई रोल भी नहीं होता, उसका कोई नॉलेज भी नहीं होता. लेकिन जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन है, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हाइपरवाइजर की हम दे देते हैं टू द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. सो यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले रोल इन वर्चुअलाइजेशन, वाइल इन केस ऑफ हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैज नो रोल इन वर्चुअलाइजेशन. इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती फुल वर्चुअलाइजेशन के केस में.
जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट रिमेन्स अनअवेयर अबाउट द वर्चुअलाइजेशन. लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन है, उसमें गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, उसमें हमने पहले से मॉडिफिकेशन की होती है कि उसने जो है वो वर्चुअलाइजेशन का पार्ट होना है, उसने अपना रोल जो है वो भी प्ले करना है. वाइल इन केस ऑफ हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जो आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दे रिमेन्स अनअवेयर अबाउट द वर्चुअलाइजेशन. इन केस ऑफ फुल वर्चुअलाइजेशन, जो आपके पास नॉर्मल वर्जन्स अवेलेबल हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटिंग के लिए, उनको आप यूज़ कर सकते हैं टू बिकम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. वाइल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, उनके मॉडिफाइड वर्जन को सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म और हाइपरवाइजर्स. इन केस ऑफ हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, नॉर्मल वर्जन ऑफ अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम can be used as a guest operating system. If you see the characteristics of full virtualization and hardware assisted virtualization, they are like almost the same. The difference is only in the operating system assisted virtualization. So let us see other characteristics. It provides good options for guest operating system. While because you have fully functional availability, जो आप standalone में काम कर सकते हैं वहीं आप virtualization में भी कर सकते हैं. While in case of operating system assisted virtualization, you have lesser option as compared to the previous approach. And same is the case with the hardware assisted virtualization. It also provide you good options for your guest operating system. In case of full virtualization, जो guest operating system है वो किसी स्पेसिफिक हाइपरवाइजर के लिए नहीं बनाया जाता. आप किसी भी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं ओवर एनी हाइपरवाइजर. फॉर एग्जांपल, आप इसको ओरिकल के ऊपर, विंडोज़ को ओरिकल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं टू बी एज अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसको आप माइक्रोसॉफ्ट के किसी हाइपरवाइजर के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं. व्हाइल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन, जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, it must be modified to work with a particular hypervisor version. In case of hardware assisted, again the guest operating system is not dependent on any specific hypervisor. Other features. In case of full virtualization, जो आपका guest operating system है, it required no special feature in the host CPU. It is independent of the underlying hardware. While in case of operating system, it requires special features in case of the host CPU. Here we require explicit features in the hardware case. यहाँ पे आपके पास हार्डवेयर का कोई रोल नहीं होता इन द वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस. वाइल हेयर अगेन वी डू नॉट हैव, के यहाँ पे भी हार्डवेयर का कोई रोल नहीं होता. लेकिन इस केस में थर्ड कैटेगरी में, विच इज़ हार्डवेयर असिस्टेड, हार्डवेयर का अपना रोल होता है इन द वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस. बिकॉज यहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा विद द हार्डवेयर, सो वी नीड स्पेशल इंस्ट्रक्शन सेट्स इसके ज़रिए हार्डवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर सके. एंड अदर फीचर्स फिर आप इसको खुद जो है वो रिव्यू कर ले. दे आर सिंपल. दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपरवाइजर, और जिसको हम वर्चुअल मशीन मोनिटर भी कह सकते हैं. एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर हमने वर्चुअलाइजेशन लेयर की बात की थी, ठीक है. फिर मैंने आपको बताया था कि इस लेयर को हम हाइपरवाइजर भी कह सकते हैं, और इसी हाइपरवाइजर को हम VMM भी कह सकते हैं. जितने भी आपके पास वर्चुअल मशीन्स बनते हैं VM, वो बनते हैं ओवर द वर्चुअलाइजेशन लेयर, एंड दिस वर्चुअलाइजेशन लेयर इज कॉल्ड हाइपरवाइजर. What is hypervisor or what is this virtualization layer? Actually, it is a set of control programs जिनका function ये होता है कि ये आपके लिए एक environment create करते हैं जिसमें आप virtual machines को create कर सकें और virtual machines को run कर सकें. ठीक है,
So virtualization layer is basically a set of control programs which provides an environment for virtual machine creation and its operation. Kis tarah aapne usko banana hai, run karna hai. You need a platform, an environment. Aur wo environment aapko kaun provide karta hai? Virtualization layer provide karta hai. Aur is virtualization layer ko hum kya kehte hain? Hypervisor, or more technically VMM. इसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस लेयर विल प्रोवाइड यू एक्सेस टू द सिस्टम रिसोर्सेज. आपके पास डिफरेंट टाइप की फिजिकल रिसोर्सेज पॉसिबल हैं. फॉर एग्जाम्पल, हार्डवेयर हैं, हार्ड डिस्क हैं, मेमोरी हैं, प्रोसेसर हैं, नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं, एक्सेट्रा. उन रिसोर्सेज को एक्सेस किस तरह करेगा जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या वर्चुअल मशीन है? ये फंक्शनैलिटी आपके लिए कौन प्रोवाइड करता है या ये फैसिलिटी आपको कौन देता है? हाइपरवाइजर. तो जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको ये मैनेज भी करता है. रैम हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एक्सेट्रा. इट नॉट ओनली कंट्रोल मैनेज द रिसोर्सेज बट इट आल्सो मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्चुअल मशीन्स. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्चुअल मशीन्स जो हैं उनको हम स्लीप मोड में रख देते हैं. उनको किस तरह पता चलता है कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा इनएक्टिव है? इनएक्टिव दे आर सिक्योरिटी कंसर्न भी, उस पर हमने बात की थी, सो उस पर अगेन हम नहीं जाते. सो मॉनिटरिंग होती है वर्चुअल मशीन्स की कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, कौन सा एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है. सो दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाइपरवाइजर टू कीप एन आई ऑन देम, ऑन द वर्चुअल मशीन्स रनिंग ऑन टॉप ऑफ इट. इट आल्सो फैसिलिटेट the existence and execution of multiple VMware. आपको पता है हार्डवेयर आपका एक है लेकिन वर्चुअल मशीन्स जो फिजिकल मशीन है वो एक है लेकिन वर्चुअल मशीन आपके मल्टीपल हैं. अब किस तरह ये मल्टीपल मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं अलॉन्ग साइड, किस तरह जो हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस हैं ओवर अ सिंगल प्लेटफॉर्म? देयर इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स ऑन टॉप ऑफ अ सिंगल फिजिकल मशीन. सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किस किस में आती है? हाइपरवाइजर. इन अदर वर्ड वी कैन से कैन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन शेयर अ सिंगल होस्ट एंड इट्स हार्डवेयर विद द हेल्प ऑफ अ वर्चुअल मशीन मोनिटर और हाइपरवाइजर. सो अगेन, अगर हम हाइपरवाइजर को डिफाइन करें, सो बेसिकली इट इज़ अ सॉफ्टवेयर. ठीक है, सॉफ्टवेयर है दैट इनेबल अ सर्वर टू बी लॉजिकली एब्स्ट्रैक्टेड. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्वर की, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो भी, उनको भी ये लॉजिकली एब्स्ट्रैक्ट करता है. अपेयर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ऑन टॉप ऑफ इट इज दे आर रनिंग डायरेक्टली. इसकी एक और ब्यूटी भी है कि जो आपके जो यूज़र्स हैं जो कि इस हाइपरवाइजर को या वर्चुअल मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, हाइपरवाइजर उनको ये श्योरिटी करवाएगा कि वो जो हैं इंडिपेंडेंटली या डेडिकेटेडली किसी एक फिजिकली सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज या जो है कंट्रोल वाइज और सिक्योरिटी वाइज. दे विल गेट द फीलिंग कि उनके लिए एक डेडिकेटेड सर्वर है या फिजिकल मशीन अवेलेबल है. बट एक्चुअली इस तरह नहीं होता. हाइपरवाइजर क्या करता है कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग मल्टीपल यूजर्स. वीएमवेयर की अगर हम बात करें, उन्होंने, विच इज़ द लीडिंग टेक्नोलॉजी इन वर्चुअलाइजेशन, और इसको हम पायनियर्स भी कह सकते हैं ऑफ द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, वो भी अपनी तरफ से एक डेफिनेशन जो है वो देते हैं फॉर द हाइपरवाइजर कि हाइपरवाइजर इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर और इट इज़ अ प्रोसेस. एंड व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी? इट विल क्रिएट एंड रन वर्चुअल मशीन्स. ठीक है, इस तरह मैंने आपको बताया कि वर्चुअल मशीन क्रिएशन के लिए और ऑपरेशन के लिए ये आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. आल्सो इट अलाउज वन होस्ट to support multiple guest operating system. यानी एक सिस्टम के ऊपर आप डिफरेंट या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं. और ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे? दे विल वर्चुअली शेयर द रिसोर्सेज ऑफ दिस सिस्टम. और वो रिसोर्सेज आपके पास मेमोरी हो सकती हैं, प्रोसेसिंग पावर हो सकती है, सीपीयू, नेटवर्किंग के कोई रिसोर्सेज हो सकते हैं, एंड सो ऑन. ओके, सो जो हाइपरवाइजर की जो पोजिशन है, जो पोजिशनिंग रोल है, इट इज़ लाइक एन इंटरमीडिएट between the physical system as well as your virtual system.
जो फिज़िकल सिस्टम है उनको हम होस्ट सिस्टम कहते हैं, जो वर्चुअल सिस्टम है उनको हम गेस्ट सिस्टम कहते हैं। तो उनके दरमियान की जो चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड द हाइपरवाइज़र। बिसाइड हाइपरवाइज़र विल आल्सो प्रोवाइड्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कंसोल थ्रू विच द वर्चुअल सिस्टम एनवायरनमेंट कैन बी मैनेज्ड। हमने बात की कि जो हाइपरवाइज़र होता है ये वर्चुअल मशीन्स को कंट्रोल करता है, उनके ऑपरेशन को, उनको मॉनिटर करता है। सो उसके लिए हमें कंसोल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चाहिए हमें, ठीक है, ताकि हम वर्चुअल सिस्टम के एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकें, मॉनिटर कर सकें। तो ये कंसोल आपको कौन प्रोवाइड करता है? हाइपरवाइज़र प्रोवाइड करता है। इट आल्सो मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्चुअल मशीन्स, और इसके अलावा रिसोर्सेज को शेयर करना, ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक दो लिमिटेशंस हैं, फॉर एग्जांपल दे आर वेरी सिंपल, लाइक के अगर किसी सिस्टम के ऊपर आपने हाइपरवाइज़र इंस्टॉल किया है तो वो हाइपरवाइज़र सिर्फ उसी सिस्टम के वर्चुअल मशीन बना सकता है। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि जिस सिस्टम पे है उसी सिस्टम की रिसोर्सेज को ये वर्चुअलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यू हैव टू सर्वर, सर्वर ए एंड सर्वर बी, आपने हाइपरवाइज़र सर्वर ए पे इंस्टॉल किया है। अब ये हाइपरवाइज़र जो है ये सिर्फ सर्वर ए के रिसोर्सेज के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह एक सेकेंड ऑब्जर्वेशन है, एंड दैट इज़ वेरी ऑब्वियस एज वेल, कि हाइपरवाइज़र ओनली असाइन वर्चुअल सर्वर इट जनरेट्स टू रिसोर्स पोल दैट रिसाइड्स, यानी जिस मशीन पे आपने हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल किया है ये सिर्फ उसी मशीन के रिसोर्सेज को जो है वो मैनेज कर सकता है, उसी को जो है वो शेयर कर सकता है अमंग डिफरेंट यूजर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज के हाइपरवाइज़र्स, जिस तरह हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, टेक्निक्स पढ़ी वर्चुअलाइजेशन की, हाइपरवाइज़र बेसिकली इसी तरह आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं हाइपरवाइज़र्स। एक को हम टाइप वन हाइपरवाइज़र कहते हैं और दूसरे को हम टाइप टू कहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड टाइप टू। टाइप टू को मैं पहले इसलिए रख रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी सिंपल, एंड आपको जो है वो इसका नो हाउ पहले से होगा कि टाइप टू के हाइपरवाइज़र आप लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा। सो इन दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइज़र जिसको हम टाइप टू कहते हैं, इसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप पहले इंस्टॉल करते हैं ओवर द फिज़िकल मशीन। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉल करना वो ज़रूरी है। आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिस्टम को एक्टिव करने के लिए फर्स्ट यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसकी जो टेक्निक है टाइप टू की, कि सबसे पहले आप सिस्टम पे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज आपने विंडोज़ इंस्टॉल कर लिया किसी सिस्टम पे, उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइप टू हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करेंगे। और उसके बाद आप क्या करते हैं, कुछ एप्लीकेशंस तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से बिल्ट इन मिल जाती हैं, लेकिन जो अदर एप्लीकेशंस हैं वो आप क्या करते हैं, ऑन टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आप इंस्टॉल करते हैं। सो सॉरी, आप कह सकते हैं कि देयर आर लाइक थ्री लेयर्स। फर्स्ट लेयर पे आपका सिस्टम है, हार्डवेयर है, फिर उसके ऊपर आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसके ऊपर फिर आप टाइप टू का हाइपरवाइज़र जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, और फिर आप क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर आप एप्लीकेशंस डिफरेंट इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट मी रिवाइज, हाइपरवाइज़र की दो टाइप्स हैं, टाइप टू एंड टाइप वन। टाइप टू को हम पहले इसलिए रख रहे हैं बिकॉज दैट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड और आप उसके साथ फैमिलियर हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी भी सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, फिर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर्स आती हैं और कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप ख़ुद इंस्टॉल करते हैं, तो आप इस विंडो के ऊपर हाइपरवाइज़र जब इंस्टॉल करते हैं, देयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन एप्लीकेशन, कि आप हाइपरवाइज़र को एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं ओवर द विंडो, फिर आप इस हाइपरवाइज़र के अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिनको हम वर्चुअल मशीन कह सकते हैं।
कुछ हाइपरवाइजर्स हैं आप लोगों ने यूज़ किए भी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के लिए वर्चुअल पीसी, वीएमवेयर वर्कस्टेशंस हैं, इसके अलावा वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम ओरेकल हैं। आई एम यूजिंग वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम द ओरेकल ऑन माय लिनक्स सिस्टम एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टाइप टू हाइपरवाइजर्स। तो मैंने क्या किया है, लेट अस एक्सप्लेन द सिनेरियो इन माय केस। सबसे पहले आई हैव अ मशीन विच इज़ माय नोटबुक, फिजिकली मशीन। फिर उसके ऊपर मैंने क्या किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। सो इन माई केस द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट विंडो, आई एम यूजिंग लिनक्स, सो लिनक्स इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उस लिनक्स के ऊपर मैंने टाइप टू हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया है विच इन माई केस इज वर्चुअल बॉक्स फ्रॉम ओरेकल। अब उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ और VMs मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेट मी शो यू, हियर आई हैव ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स। सो आई एम इनसाइड लिनक्स, बट यू सी इज माई सिस्टम, उसके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड हियर बट यू सी इज, लेट मी शो यू, हियर आई हैव विंडोज इनसाइड वर्चुअल मशीन। तो इसको मैं स्टार्ट कर लूँ, आई विल बी रनिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वन एक को, इस केस में आपके ख्याल में मेरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है या विंडोज है गेस्ट। सो दिस इज़ माई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ विंडोज, होस्ट इज माई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज़ माई केस, योर केस कुड बी डिफरेंट, क्योंकि नॉर्मली जो है लोग विंडोज़ को यूज़ करते हैं, उसके ऊपर फिर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते हैं। तो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका एक्चुअल है और हाइपरवाइजर के अंदर जो आप इंस्टॉल करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकली अगर मैं आपको हाइपर टाइप टू दिखाऊँ, सो देट इज़ लाइक दिस, यू हैव योर कंप्यूटर जिसमें फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर आप होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं, फिर उसमें आप हाइपरवाइजर को, जिसको हम VMM भी कहते हैं, आप उसको एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और फिर उसके अंदर आप डिफरेंट मशीन्स, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं या डिफरेंट गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट एप्लीकेशन जिस तरह आप नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस केस में, ये आपके पास फर्स्ट लेयर है, जो आपके पास, सॉरी, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज़ द सेकेंड लेयर। यहाँ पे हम जो जब लेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हार्डवेयर को हम एज लेयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई इट इज़ फर्स्ट लेयर। अगर आप हार्डवेयर को कंसीडर करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट लेयर और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी योर सेकेंड लेयर, बट इन दिस केस दिस इज आवर फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर इज द VM मशीन्स। जो आपके पास इस कैटेगरी के हाइपरवाइजर्स हैं वो प्रोप्राइटरी भी हो सकते हैं और वो आपके पास ओपन सोर्स भी हो सकते हैं। जो वर्चुअल बॉक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम ओरेकल, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स। जो माइक्रोसॉफ्ट के हैं SCXSESXI, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी, या जो हाइपर वी है माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी, हाइपर वी इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट while ESXi is from VR, both are example of proprietary hypervisor of type 2 categories. इसके कुछ benefits हैं कि आप किसी भी application को test कर सकते हैं, आप multiple operating system को install कर सकते हैं based on your need, लेकिन इसके कुछ drawbacks भी हैं। For example, in this category a hosted hypervisor does not have direct access to the hardware resources and hence all of the requests from virtual machines must go through the host operating system, degrade the performance of the virtual machine. Okay, remember ki jab bhi aap virtualization ko use karte hain, you will never get 100% performance or 100% output. जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अप टू 90% परफॉर्मेंस तो आप क्लेम कर सकते हैं कि आई कैन अचीव, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बिकॉज ऑफ द वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट। तो इस केस में जो आपके पास हाइपरवाइजर हैं, इसका डायरेक्ट एक्सेस हार्डवेयर रिसोर्सेज को नहीं होता, सो जो आपके वर्चुअल मशीन्स हैं उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशंस एंड बिकॉज ऑफ द मैपिंग एक्सेट्रा। इसके अलावा एडिशनल ओवरहेड भी है ऑफ रनिंग ऑन टॉप ऑफ अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं फिजिकली,
फिजिकली सिस्टम के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस अलग होगी। लेकिन अगर आप वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, यू विल सी कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उस तरह की नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीएमवेयर के अंदर विंडोज़ को रन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली वो बहुत कम होगी। द सेकेंड टाइप ऑफ हाइपरवाइजर इज कॉल्ड टाइप वन, जिसको हम नेटिव हाइपरवाइजर भी कह सकते हैं। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपरवाइजर इसके, इट इज़ डायरेक्टली इंस्टॉल ओवर द फिजिकल मशीन या सर्वर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म। इन द प्रीवियस केस, वहाँ पे हम हाइपरवाइजर को डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं करते ओवर द हार्डवेयर। यहाँ पे अगर आप देखें, वी हैव अनदर लेयर विच इज़ द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे अगर फिजिकल हार्डवेयर के साथ ये कम्युनिकेशन करे तो वो कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होके जाएगी, विच इज़ अ डिसएडवांटेज। हाउएवर, इन टाइप वन हाइपरवाइजर, जिसको हम नेटिव हाइपरवाइजर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हाइपरवाइजर को हम डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं ओवर द फिजिकल हार्डवेयर। यू कैन सी हियर, आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। व्हाट इज हियर, फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज हाइपरवाइजर। प्रीवियस केस में फर्स्ट लेयर वाज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड लेयर वाज हाइपरवाइजर। यहाँ पे द फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज हाइपरवाइजर, और उसके ऊपर फिर आप वर्चुअल मशीन्स को इंस्टॉल कर देते हैं। सो इन दिस केस द हाइपरवाइजर इज द फर्स्ट लेयर। एडवांटेज क्या होगा कि यहाँ पे हाइपरवाइजर जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकता है विद द फिजिकल रिसोर्सेज, तो परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली इसकी अच्छी होगी। उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सो द बेनिफिट्स के डायरेक्टली एक्सेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज, जिसमें आपको यू विल गेट बेटर परफॉर्मेंस। इसके अलावा मोर एडवांस फीचर ये ऑफर करता है टू इट्स यूज़र। इसके अलावा और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है ओवर द होस्ट एनवायरनमेंट, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। वट आर द ड्रॉबैक्स के लिमिटेड हार्डवेयर सपोर्ट कैन नॉट रन ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज। ओके, हाइपरवाइजर को कुछ थ्रेट्स भी हैं। कुछ थ्रेट्स तो वर्चुअलाइजेशन एनवायरनमेंट के अपने हैं, लेकिन कुछ थ्रेट्स हाइपरवाइजर के स्पेसिफिक हैं, एंड दे आर, रिमेंबर कि अगर आपका हाइपरवाइजर जो है वो डैमेज कर जाए, सो दैट इज़ अ थ्रेट फॉर द इंटायर सिस्टम, क्योंकि ये ऑन टॉप ऑफ द सिस्टम होता है या उसके हार्डवेयर के ऊपर होता है। तो अगर इसको कुछ हो जाए तो आपका पूरा सिस्टम इफेक्ट कर सकता है, आपके पूरे वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। हम सारे थ्रेट्स को तो नहीं देखेंगे, बट लेट अस टॉक अबाउट द रोग हाइपरवाइजर। सिक्योरिटी में ये टर्म हम यूज़ करते हैं टू रिफर टू एनी मालवेयर अटैक विच हैज़ सम रॉन्ग इंटेंशंस, कि कोई हाइपरवाइजर होगा जो कि रिप्लेस करेगा किसी ओरिजिनल हाइपरवाइजर को टू अटैक द सिस्टम विदाउट नॉलेज ऑफ द सिस्टम। हाइपरवाइजर जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट में, देयर इज़ अ प्राइम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट मशीन एंड द वर्चुअल मशीन। तो अगर कोई रॉग हाइपरवाइजर है, कोई फेक हाइपरवाइजर है, और वो अपने आप को किसी तरह से फिजिकली सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लें, तो जितने भी वर्चुअल मशीन्स उसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं उन सब की कम्युनिकेशन को वो लिसन कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसके ऊपर डिफरेंट अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। नॉर्मली जो आपके पास वर्चुअल मशीन्स होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, लेकिन ड्यू टू एनी रीजंस, फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द टेक्निक इज रूट किट। दीज आर सिक्योरिटी टर्म्स, इनकी डिटेल्स में हम नहीं जाते, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूँ। रूट इस, जिस तरह आपके पास विंडो में जो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है वो एडमिन होता है, ADMIN, लिनक्स में उसको हम रूट कहते हैं, लिनक्स एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो रूट किट, मालवेयर्स होते हैं विच देमसेल्व्स आर नॉट हार्मफुल, या वो सिस्टम को डायरेक्टली हार्म भी नहीं करते, लेकिन वो अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर्स और वॉर्म्स को की हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू एंटर इन द सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सम हिडन कम्युनिकेशन
channels. So to make it simple, ke agar koi attacker by using rootkit kisi tarah se ek rogue hypervisor create kar le, this is going to be a threat not only for the physical system but also for the virtual machines which are running on top of that hypervisor. Yani agar ek legitimate hypervisor hai aur dusra fake hai, agar fake khud ko replace kar le in place in location of the legitimate, to kya hoga ki jitni communication hai wo sari ki sari disrupt hogi, wo sari ki sari jo hai wo hack ho sakti hai because of this rogue hypervisor. So there is a problem. Ek aur issue hai, and that is virtual machine escape. वर्चुअल मशीन का एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा क्या है कि इन वर्चुअल मशीन जो एप्लीकेशंस आप वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, द यूज़र्स ऑफ दोज एप्लीकेशंस कैन नॉट गेट डायरेक्ट एक्सेस टू द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दे आर ओनली कम्युनिकेटिंग विद द वर्चुअल इन्वायरमेंट. तो हाइपरवाइजर क्या करता है, इट क्रिएट एन आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है, कि एक वर्चुअल मशीन के एप्लीकेशन दूसरे वर्चुअल मशीन के एप्लीकेशंस को इफेक्ट नहीं करते, दे आर लाइक इन आइसोलेटेड फॉर्म. एक ही सिस्टम पे दो वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, दोनों के एप्लीकेशंस अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन इंटरप्शन उसकी नहीं होगी. लेकिन किसी भी वजह से इम्प्रॉपर कन्फिग्रेशन और मैनिपुलेशन ऑफ अ वर्चुअल मशीन allow codes to completely bypass this security and enable attackers to gain access to the hypervisor. इस bypass को हम कहते हैं virtual machine escape, ठीक है. So अगर ये directly hypervisor को या host operating system को किसी तरह से कोई virtual machine access कर लें, तो वो किसी भी administrative task को perform कर सकता है, अपनी तरफ से कोई virtual machine क्रिएट कर सकता है, वो रॉग भी हो सकता है, रॉग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा, या किसी वर्चुअल मशीन को आप डिलीट भी कर सकते हैं. सो दिस प्रॉब्लम स्टेट वर्चुअल मशीन इसके कि लेट्स सपोज किसी को आपने एक वर्चुअल मशीन बना के दी है, उस पर उसने डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं, लेकिन कहीं पे कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपने फॉर एग्जांपल कोई पोर्ट जो है वो ओपन छोड़ दिया, और अब उस यूज़र को पता चल गया कि जिस वर्चुअल मशीन को मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक पोर्ट ओपन है, और वो पोर्ट मुझे ले के जाएगा टूवर्ड द हाइपरवाइजर. इसके थ्रू मैं हाइपरवाइजर को एक्सेस कर सकता हूँ या होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ. तो अगर उसको ये एक्सेस मिल जाए तो फिर वो कोई भी चेंज कर सकता है, इफ़ ही इज़ अ गुड हैकर, इफ़ ही नोज हाउ टू हैक द सिस्टम. तो इम्प्रॉपर कन्फिग्रेशन की वजह से या बैक डोर्स की वजह से अगर आप किसी को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं टू एंटर इनटू द हाइपरवाइजर और होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, देन ही कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जिसमें कोई मशीन क्रिएट करना, बोगस मशीन, कोई एग्जिस्टिंग ऑथोराइज्ड या ऑथेंटिकेटेड मशीन को डिलीट करना या डेटा को मैनिपुलेट करना, कुछ भी वो कर सकता है. सो इट वॉज अबाउट टुडे लेक्चर. At the end we have some providers and vendors. इसको फिर आप खुद देख लें कि मार्केट में VMware हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा Citrix Zen servers हैं, इसके अलावा Oracle के हैं, Microsoft के हैं, and so on. KVM is one of them. At the end I have an assignment for you. Assignment number one आप लोग already submit करवा चुके हैं hard form में, okay. Assignment number two is going to be online. Topic is bare metal hypervisor. उसका रोल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में, और अगर आप इस अप्रोच को यूज़ करते हैं तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एक हिंट मैं आपको दे दूँ, बार मेटल हाइपरवाइजर पे आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, नॉट ऑन बार मेटल सर्वर. देयर इज अनदर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड बार मेटल सर्वर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हाइपरवाइजर. सो बी केयरफुल कि द मटेरियल मस्ट बी रिलेटेड विद बार मेटल हाइपरवाइजर एंड नॉट विद द सर्वर. इसका रोल क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग में, या इसका रोल क्या है वर्चुअलाइजेशन में, इन अदर वर्ड्स इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं.
You have to submit the assignment before 31st March. Number of pages 3 to 8. Instructions: ऑनलाइन आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करनी है थ्रू गूगल क्लासरूम. रिमेंबर फिजिकली अगर आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें कंसेशंस हो सकती हैं. आप बाद में सबमिट करवा सकते हैं, ऑफिस आके कर सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, इवन डोर के नीचे भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है ना, डेट के बाद भी. लेकिन यहाँ पे अगर आप 31st तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो फिर आप कर ही नहीं सकते. वो ऑप्शन डिसेबल ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद कर देगा. सो बी केयरफुल टू सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर 31. एंड यू नो द प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर सबमिटिंग एन असाइनमेंट. ओके, कि आप लोगों ने डायरेक्टली कॉपी नहीं करना, खुद से अपने वर्ड्स में लिखना है. और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि गूगल क्लासरूम हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम प्लेजरिज्म को ऑनलाइन चेक कर सकें. तो अगर आप किसी से डायरेक्टली असाइनमेंट कॉपी करते हैं, रिमेंबर दैट इज़ नॉट ओनली प्रॉब्लम फॉर यू बट प्रॉब्लम जो आपको असाइनमेंट दे रहा है उसके लिए भी प्रॉब्लम होगी. क्योंकि अगर दोनों के असाइनमेंट मैच कर जाए, मुझे नहीं पता किसने किससे कॉपी किया है या सिस्टम को नहीं पता, वो दोनों को ग्रेड क्या देगा, जीरो देगा. सो बी अवेयर ऑफ द प्लेजरिज्म. Try to submit your assignments in your own words. That is what is expected. The outcome of an assignment. Or online submission kare, email ke zariye na kare, hard mein to waise bhi possible nahi hai. System ke zariye kare. Kis tarah aap logon ne assignment submit karni hai? Let me show you. Jab aap Google Classroom pe aayenge, here you will see BSSE 2016 Cloud Computing. Here you see a new tab. इस पे लिखा है असाइनमेंट नंबर 2. इस पे आप क्लिक करेंगे. दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. ओके, यहाँ पे आपने क्या करना है, एड और क्रिएट. असाइनमेंट आप लोगों ने पीडीएफ में अपलोड करनी है, राइट. सो यहाँ पे आप आएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, जो आपकी फाइल है. फॉर एग्जांपल मैंने असाइनमेंट कर ली है और वो मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है. सेलेक्ट योर फाइल, हियर इज़ माई असाइनमेंट. इसको आप अटैच करें, मज़ीद फाइल एड करने की ज़रूरत नहीं है. असाइनमेंट नंबर 2. हियर यू सी द अपलोड बटन, इस पर क्लिक करें. अपलोडिंग. जो असाइनमेंट है, व्हेन यू आर रेडी टू सबमिट ऑल योर फाइल्स फॉर दिस असाइनमेंट रिमेंबर टू हैंड इट इन. हैंड इट यानी मुझे दे दें. हैंड इट, यस. सो आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो इस तरह से सबमिट करनी है थ्रू द सिस्टम. Okay, so it was about today lecture. I hope you got the concept clear. Okay, koshish karein ki jo questions hain wo aap classroom mein